गहरे का अभी तक पता नहीं लगाया गया। माँ जी, भैरवनाथ जी का मंदिर है 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर, इतनी ठंड में, इतनी हवा में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 2 ऑफ डोडीताल एंड दरवा पास ट्रैक। जो आप मेरे पीछे ये लेक देख रहे हैं, जो ताल देख रहे हैं, ये है डोडीताल, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गणेशा। इस ताल के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बता दूंगा, अभी सुबह सुबह उठे हैं, ठंडा हो रहा है इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रहा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। कल रात को जैसे मैंने आपको बताया था कि आलू यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, तो उन्हीं आलू से बने हुए आलू पराठे हम खाने वाले हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर जो मंदिर है उसके दर्शन कराऊंगा, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे दरवा पास ट्रैक के लिए, जो कि है तो यहाँ से केवल 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से बता रहे हैं कि खड़ी चढ़ाई है, तो ठीक ठाक टाइम हमको लग जाएगा वो 5 किलोमीटर का। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये लोकल आलू है, इसका पराठे बहुत ही टेस्टी हो रहा है। ये फ्राई है, बहुत टेस्टी है। ऐसी अभी मुझे नहीं लग रहा हमने अभी तक खाई ऐसी राई। जी जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, शाम को मिलते हैं। तो यार, हमने स्वादिष्ट नाश्ता कर लिया है और अब हम आगे बढ़ने लग गए हैं। मंदिर के दर्शन भी हमने कर लिए हैं, पूरी प्रॉपर पूजा हम शाम को करेंगे। अभी बगल में मेरे डोडीताल है, 5 किलोमीटर आ गया हमें, अभी जाना है दरवा टॉप तक। लेट्स सी, खूब मजा आने वाला है, काफ़ी एक्साइटेड हैं सभी लोग। आज रहेगा तो केवल 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर वापस आना, लेकिन इन चढ़ाई काफ़ी खड़ी होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। कि आप मेरे सामने देख सकते हैं वो है डोडीताल, जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और ये वो मंदिर है जिसकी मैं बात बता रहा था, और उस साइड अभी दिख नहीं रहा है, पेड़ के पीछे छुप गया है, हमारा रेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके थे। अभी इस तरफ हमें जाना है, आगे की तरफ यू नो पूरा बोल्डर सेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बतानी है मुझे आपको डोडीताल के बारे में, पर वो तब जब हम वापस आ जाएंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। दरवा पास अभी यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर है, और अच्छा सा डेंस फॉरेस्ट के बीच हम लोगों का ट्रैक हो रहा है, और आज आंटी भी लीड करी है सबको फटाफट, आज तो एकदम फ्रेश और फिट लग रही है चलने के लिए। अंकल भी आज भी लीड कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, बढ़िया। और ये साइड में आप देखिए रिवर है, अस्सी गंगा रिवर है, ये डोडीताल लेक में जाके मिलती है, वहाँ से प्रवाह करते हुए उत्तरकाशी भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है, गंगा रिवर मिल जाती है। अस्सी गंगा का ये शीतल जल, बहुत मजा आ रहा है यार। अभी हम जा रहे हैं, अभी लगभग हम 2 किलोमीटर आ गए हैं, तो ये नदी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है अस्सी गंगा, और अभी हम आगे जा रहे हैं। देखो मम्मी पापा भी आ गए हैं, भाई भी आ रहे हैं, तो या लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है, तो आपकी रास्ते भर की जो ना थकान मिट जाएगी थोड़ा सा। अगर आप दूसरी साइड जाते तो आपका मन करेगा कि थोड़ा आप मुँह हाथ भी धो लो, तो और अच्छा लगेगा। हाँ, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, अब तो थोड़ा ही रह गया है। हाँ, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग दरवा पास के लिए जा रहे हैं, और जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं ये है शेफर्ड हट। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि मेजुर में जो गांव से जो शेफर्ड होते हैं वो अपनी बकरी लेके यहाँ पे इनका बेस हो जाता है, यहाँ पे अपनी बकरियों को 3-4 महीने के लिए रखते हैं। फिर ये दूर दूर जो आप ये पासेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अपनी बकरियों को ले जाते हैं वो। यहाँ से एग्जैक्ट अभी 1 किलोमीटर रह गया है, ये यहाँ का डिफ़िकल्ट पार्ट है दरवा पास जाने के लिए। और जैसे दरवा पास पहुँचते हैं फिर आपको एक और से यमुना वैली,
एक ओर से गंगा वैली, दोनों के दर्शन हो जाएंगे और सामने फ्रंट वे बंदरपूंछ, स्वर्गारोहणी और ब्लैक पीक 360 डिग्री का पूरा व्यू मिल जाएगा। तो डोडी ताल से हम लगभग 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई रह गई है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई है। इस वाली चढ़ाई से हम जाने वाले हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और मेरा ऑल्टीट्यूड मीटर अभी यहाँ का ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है लगभग 3462, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 3462 अभी यहाँ का ऑल्टीट्यूड, और ऊपर का ऑल्टीट्यूड लगभग 3900-4000। सो यह बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही एडवेंचरस क्लाइंब होने वाली है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। मम्मी एक से कम रह गया। वेरी गुड, मजा आ रहा, बहुत ही मजा, एंजॉय। एकदम खड़ी चढ़ाई है लेकिन बहुत मजा आ रहा। तो यार ये लास्ट की काफी खड़ी चढ़ाई है, अभी लगभग केवल 500 मीटर रह गया है और बहुत मजा आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर से बहुत ही शानदार व्यूज आने वाले हैं, एक तरफ गंगोत्री वैली के और दूसरी तरफ यमुनोत्री वैली के। सो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। चल रही है बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है, मतलब मुझे अपने आप को पकड़ के रखना पड़ रहा है। काफ़ी स्पीड से मैं ऊपर आया इसलिए आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो रही है। कम ऑन मैन, मज़ा आ गया। नीचे की तरफ डोडी ताल दिख रहा है और उस तरफ ऊपर की तरफ और चारों ओर बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। इस तरफ गंगोत्री वैली दिख रही है और उस तरफ यमुनोत्री वैली दिख रही है। बहुत ही सही नज़ारा है यार, आई कैन नॉट डिस्क्राइब द फीलिंग। हो इतनी जोर से हवा चल रही है, देखो ये देख रहे हो बाल मेरे, ऐसे हम बाइक में जाते हैं ना, बाइक में तब होते हैं तब भी नहीं होते, अभी देखो बाप रे बाप, उफ और रे बाप रे। तो यार जैसा कि आप देख सकते हो ये एक छोटा सा ताल दिख रहा है यहाँ पर, मैं दरवा टॉप से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। ये जो आपको छोटा सा मनुष्य दिख रहा है ये मेरा भाई है दरवा पास के पास। तो बेसिकली इस तरफ गंगोत्री वैली है, ये उधर पास है जिधर भाई खड़ा हुआ है, और इस तरफ दूसरी तरफ यमुनोत्री वैली है। तो ये पास है जो कि गंगा वैली और यमुना वैली को कनेक्ट करती है। इतने स्पेक्टेकुलर व्यूज़ थे कि मैं थोड़ा सा और ऊपर आ गया, क्योंकि जितना ऊपर आ रहा हूँ उतने और स्पेक्टेकुलर होते जा रहे हैं व्यूज़। बहुत मज़ा आ रहा है यार, सामने मेरे देखो यार इतनी हाई पीक्स, बर्फ़ को टच करने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहीं पर है, बस मैं जाऊँ और टच करके आ जाऊँ बर्फ़ों को। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है यार। मैग्नानिमस, मैग्निफिसेंट, अमेजिंग, वंडरफुल, वर्ड्स आर्ट इनफ टू डिस्क्राइब ऑल दिस यार। मैं जितना बोलूँगा उतना कम है ये फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए। आप लोग यहाँ आओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये फीलिंग एक अलग ही फीलिंग है यार। हमें लगभग 1 घंटा हो गया है ये वाले एरिया में आए हुए, और मात्र 1 घंटे में मौसम ने एकदम अपने जज्बात बदल दिए। 1 घंटे पहले सामने की पीस एकदम क्लियर दिख रही थी और एकदम से यू नो मौसम ने जज्बात बदल दिए अपने। आप देख सकते हैं इतने घने बादल आ चुके हैं, यू नो ऐसा लग रहा है कि सामने स्नोफॉल हो रही होगी, काफ़ी चांसेस हैं कि सामने स्नोफॉल हो रही होगी उन पीक्स में, क्योंकि दरवा पास नीचे पर है, हम उससे काफ़ी ऊपर आ गए हैं, हम उससे 2-3 किलोमीटर तक ऊपर आ गए हैं और काफ़ी चढ़ाई हमने चढ़ ली। तो आई थिंक हम अभी लगभग 14,000 से 15,000 फीट के आसपास हैं, और यार मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि 14-15,000 फीट की ऊँचाई पर इतनी ठंड में, इतनी हवा में, यू नो बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हो, तो मैंने ये टोपी पहनी हुई इससे पता नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है यार, मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, बस आप फील कीजिए यार इस पे। हम
कर रहे हैं उनके पास हम जाते हैं, जो पैक लंच हम ला रखे हैं दिन के लिए वो खाते हैं और फिर हम डिसेंट शुरू करेंगे। बदल लो अब तो प्यारा सा चमत्कार। तो उसमें वो टॉप नहीं आता। तो यार हम जो पैक लंच लाए थे वो अब हम खा चुके हैं और अब हमने डिसेंट शुरू कर दिया। फिर से ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई, बीच बीच में धूप भी आ रही है, तो मैंने सन ग्लासेस भी पहन लिए थे थोड़ी देर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, मिलता हूँ फिर आपसे नीचे। दो किलोमीटर रह गए हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं। मम्मी पापा थोड़े आगे जा चुके हैं, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, पानी वगैरह भरा था, ऊपर से हेलीकॉप्टर की भी आवाज आ रही है। तो यार वैसे नॉर्मल रूट वहाँ से है, लेकिन हमें कभी कभी मन करता है कि थोड़ा सा ऑफ रूट जाया जाए, तो इसलिए हम इस रास्ते जा रहे हैं। तो चलो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। One more kilometer to go, so let's move forward. वो गधे ही हैं जो आम नहीं खाते। गणपति पापा मोरिया मोरिया, आप लोगों का गणेश जन्मभूमि डोडीताल में स्वागत है। कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सेफर थे अगोड़ा गांव से, वो किसी 60 के दशक में यहाँ पे अपने बकरी चुंगाने के दौरान यहाँ पे आए थे। सबसे पहले उन्होंने इस लेक को देखा था, इस पवित्र लेक को देखा था। जो ये सामने आप देखेंगे ये अन्नपूर्णा मंदिर, ये पार्वती जी का मंदिर है। और यहाँ पे जो ये ट्राउट फिश है, ट्राउट फिश में यहाँ पे 80 के दौरान जो ब्रिटिश सिटीजन की जो वुड स्टॉक स्कूल मसूरी में उनके टीचर यहाँ पे आए थे 80 के दौरान, उन्होंने फिर यहाँ पे सबसे पहले 70-80 के दौरान ट्राउट फिश विदेशी, उन्होंने विदेश से ट्राउट फिश डाल के यहाँ पे वो डाल दिया। यहाँ पे लगभग 3-4 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, गोल्डन और सिल्वर अलग अलग टाइप के। यहाँ पे उस समय बोटिंग का भी था थोड़ा सा, तो यहाँ पे सबसे पहले बोट भी चली थी 88-89 के दौरान। तो उस समय क्या होता है, एक एक्सीडेंट हो गया था। वो पुणे से महाराष्ट्र के कुछ एक फैमिली के लोग थे, वो क्या होता है इंसिडेंट हो गया था, वो लोग चारों लोग डूब गए थे। तो उस समय पूरा गवर्नमेंट ने भी यहाँ के जो मंदिर समिति उन्होंने पूरा बैन कर दिया था, लेकिन इसका जो गहराई का अभी तक पता नहीं लगाया गया। उस समय टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा भी यहाँ पे लगभग 1000 मीटर की रोप डाली गई थी, तो उस रोप का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसका अनुमान ही था कि कितना यहाँ पे गहरा होगा। उमा सहित मम एक दंत निवासो, भगवान गणेश माँ अन्नपूर्णा शंकर भगवान जी जो है इस जो हमारा दुंडी प्रयाग तीर्थ स्थल है यहाँ पे जो है वो सदैव निवास करते हैं। तो माता जी ने बोला देखो बेटा मैं जो है इस कुंड में स्नान करूँगी, ध्यान रहे कोई भी देवतागण जो है यहाँ न आ सके। आप जो है 2 कोस की दुराई पर जो है पहरा देना, 2 कोस हमारा जो है दरवा टॉप पड़ता है, दरवा टो मतलब दरबार, मतलब माँ पार्वती का कुंड का दरबार है। वहाँ पे जो है भगवान गणेश ने जो है पहरा दिया। आगे जो है 1.5 किलोमीटर हमारे जो है भैरवनाथ मंदिर है, वहाँ पे जो है भैरव जी को जो है आदेश दिया कि आप भी जो है वहाँ पे जो है किसी को आने मत देना। तो भगवान शंकर ने जो है जब अंदर जाने की कोशिश की तो भगवान गणेश ने जो है उनको पीछे धकेल दिया और भगवान शंकर जी को जो है बहुत गुस्सा आया, उन्होंने जो है अपना त्रिशूल निकाल के गणेश जी पे वार कर दिया, जिसमें जो है गणेश जी की जो है शीश जो है कट गई। तो जैसे भगवान की शीश कटी उनके मुख से जो है माँ जी का शब्द निकला, जैसे उन्होंने माँ जी का शब्द बोला वैसे जो है वो शब्द जो है आगे हमारे जो है 5 किलोमीटर की दूर पे माँ जी नामक एक स्थान है जहाँ पे जो है स्टे भी किया जाता है, और वहाँ पे जो है उस स्थान का नाम इसीलिए माँ जी पड़ा क्योंकि गणेश जी की पुकार जो है उस जगह तक गई। ये जो हमारी प्राचीन शिला है यहाँ पे, इसकी मान्यता ये है कि जब भगवान गणेश जी की जो है शीश यहाँ पे जो है कटी थी तो इस पे जो है खून की जो है छींटे गिरी थी, जिस छींटे गिरने से जो है इस शिला पे जो है एक अनमोल रत्न हुए थे। तो 1965 या 1962 में जो है
हमारे चाइना तिब्बत वालों ने जो है जब 4400 तक अटैक किया था तो उन्होंने जो है इस जिला को तोड़ तोड़ के ले गई। और यहाँ पे जो है हमारा जो है समुद्र तटी से 22 किलोमीटर की दूर पे जो है जो भी यहाँ पे आता है शरीर में जो है कष्ट झेल के आता है तो भगवान जो है उनकी पुकार जो है जरूर सुनता है। जय श्री गणेश, जय मां अन्नपूर्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो वेलकम टू डे 3 ऑफ डोडीताल एंड दरवा पास ट्रैक। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, पंडित जी ने हमारे तिलक लगा दिया है। पंडित जी बालों को क्या करना है, इनका रखना है इन्होंने की? तो आज अभी हमें संगम चट्टी तक जाना है जो कि यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर है। तो अब नीचे चलना हम शुरू कर रहे हैं, तो चलो चलो मेरे साथ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भैरवनाथ जी का मंदिर है। जैसा कि कल पंडित जी ने बताया था कि पार्वती माता ने गणेश जी को बोला कि आप दरवा टॉप जाइए और वहाँ पर रक्षा कीजिए, तो ऐसे ही पार्वती माता ने भैरवनाथ जी को बोला था कि आप यहाँ पर रक्षा कीजिए। थोड़ा सा मंदिर के दर्शन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर और है संगम चट्टी, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करके अब हम आगे निकल गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और अभी लगभग 21 किलोमीटर और आगे जाना है हमें। प्रकृति की गोद में हूँ अभी मैं, बहुत अच्छा लग रहा है आगे बढ़ते हुए। तो आगे बढ़ते रहिए भाई साहब। अभी जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये है मांझी, मांझी समर विलेज ऑफ लोकल विलेजर्स। गोड़ा गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, मई से लेकर सितंबर 4 से 5 महीने तक अपने पशुओं के साथ यहाँ पे रहते हैं। और उनका मेन बिजनेस जैसे दूध निकालना या उसका घी बनाना, फिर उसको यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको सेल करते हैं। तो यार अभी मैं हूँ मांझी गांव में, और जैसा कि पंडित जी ने कल बताया था कि इस जगह का नाम मांझी क्यों पड़ा, क्योंकि जब शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी का गला काट दिया तो उस समय गणेश जी ने बोला माँ जी, और उनकी जो ये पुकार है माँ जी ये मांझी तक सुनाई दी, इस एरिया तक सुनाई दी, ऐसा बोला जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा मांझी। अभी हम डोडीताल से 5 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी हमें लगभग 17 किलोमीटर और चलना है, तो चलो आगे चलते हैं। ये 3-4 महीने यहाँ पे है। और ये कब, आप 3-4 महीने से आप यहीं हैं? यही है। और गाय भैंस? गाय भैंस भी यहाँ पे रहते हैं। तो हम डोडीताल से वापस अगोड़ा आ गए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। अभी वैसे तो हमें संगम चट्टी तक जाना था लेकिन एक्चुअली गाड़ी वाले ने बोला कि मैं ऊपर तक आ गया हूँ, तो अब हमें केवल यहाँ से 3 किलोमीटर और जाना है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ पर गाड़ी पकड़ेंगे और फिर वहाँ से उत्तरकाशी जाएंगे। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे उत्तरकाशी में, चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 4 ऑफ डोडीताल एंड दरवा पास ट्रैक। अभी मैं हूँ अपनी जन्मभूमि उत्तरकाशी वाले एरिया में। उत्तरकाशी थोड़ा पहले है, अभी मैं एक जगह पर हूँ जिसको बोलते हैं गंगोरी। इस जगह को कुछ लोग गर्म पानी भी बोलते हैं क्योंकि विंटर सीजन में एक एरिया में यहाँ पर गर्म पानी आता है। एनीवेज मैं भागीरथी में डुबकी लगा के आता हूँ, नहा धो के आता हूँ,
फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। भागीरथी के फ्रेश वाटर में नहा के यार अलग ही मजा आ गया। नल के पानी से नहाने में वो मजा कभी नहीं आ सकता है जो नेचुरल रिवर वाटर से, और वो भी गंगा का पानी। बेसिकली ये भागीरथी नदी है, आगे देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है और वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि गंगा के अपर स्ट्रीम्स में नहाने का मजा ही कुछ और है। अक्टूबर का महीना है, बिल्कुल साफ पानी है, एकदम क्लियर वाटर, बहुत ही शानदार यार, मज़ा ही आ गया। और यार हम कल रात को शिखर होटल में रुके थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा शिखर होटल में। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर इन्होंने टेंट्स बना रखे हैं और उसमें काफ़ी अच्छी रहने की व्यवस्था है। तो यार इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा मेरा डोडी ताल एंड दरवा पास ट्रैक का। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करने के लिए, तो मिलता हूँ आपसे लाइफ के एक नए जंक्शन में एक नई कहानी लिखते हुए। अंटिल देन, गिव 100% इन व्हाटएवर यू डू, बी हैप्पी, make others happy and smile.